हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो हम सबका बहुत ही फेवरेट होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और ये सर्दियों के मौसम में गाजर तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं और ये बहुत मीठे भी होते हैं। चलिए आज का रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें गाजर चाहिए। यहाँ हमने 1 केजी गाजर लिया है जिसे हमने ग्राइंड कर लिया है। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। थोड़ा सा घी को हम गरम कर लेंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। अब इसको थोड़ा चला लेंगे। गाजर को पकाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, 20 से 25 मिनट लग जाएगा। वैसे तो गाजर का हलवा बनाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है, तो इसे हमें आराम से अच्छे से बनाना है। और इसे हम ढक के पकाएंगे ताकि गाजर गल जाए थोड़ा। इसे बीच बीच में देखते रहेंगे और ऐसे ही मिलाते रहेंगे ताकि गाजर हमारा जले ना। और मीडियम फ्लेम में हम इसे रखेंगे। थोड़ा थोड़ा गाजर गल चुका है, देखिए। देखिए गाजर हमारा गल गया है अच्छे से। अब इसमें हम दूध डालेंगे 1 कप। दूध के साथ अब इसे हम मिला लेंगे और दूध के साथ हमें इसे 10 से 15 मिनट तक पकाना है। तब तक पकाना है जब तक गाजर पूरा दूध सोख ना ले। अब देखिए दूध पूरा सोख चुका है गाजर के साथ। अब हम इसमें 1/2 कप जितना चीनी डाल देंगे। इसे हम 5 से 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। चीनी तब तक पूरा गल जाएगा, गाजर में पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए हमारा गाजर का हलवा ये लगभग रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और अब हमारा ये गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई रेसिपीज के साथ।